हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। आप सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक खास जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, एग्जाम्स के टाइम पे आपको कुछ इसी टाइप की ही आंसर शीट दी जाती है, लेकिन यहां पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसे फिलअप करने में प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, इन कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये चीज़ें मैंने खुद ने ऑब्जर्व की है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की जगह पे सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर की जगह पे साइन कर देते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको इसी आंसर शीट के बैक पेज में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। आपको आंसर शीट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं एनरोलमेंट नंबर, सबसे पहले आपको आपके 9 डिजिट्स के एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे, उसी के ही नीचे आपको यही एनरोलमेंट नंबर वर्ड्स में लिखने होंगे, शब्दों में। आप चाहें तो इन्हें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें हिंदी में भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी के नीचे परीक्षा केंद्र कोड, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, यहाँ पे आप अपना एग्जाम सेंटर कोड लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम सेंटर कोड में स्टार्टिंग में 0 है तो आप 0 भी लिखना ना भूलें। इसी के नीचे डे एंड डेट, दिन तथा दिनांक, आप यहाँ पे आज का दिन और दिनांक लिख सकते हैं। कार्यक्रम कोड, प्रोग्राम कोड, यहाँ पे आप इग्नू की तरफ से जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं उसकी डिटेल्स लिखनी होगी। एमए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एमए लिख सकते हैं, एमकॉम, बीकॉम वाले बीकॉम, ऐसे ही करके बीए वाले स्टूडेंट्स बीए लिख सकते हैं, एंड डिप्लोमा वाले अपना प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी के नीचे आता है कोर्स कोड, आपको यहाँ पे प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड दोनों में ही कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम कोड में आपको आपका प्रोग्राम कोड लिखना होगा, जो भी डिग्री आप यहाँ से इग्नू की तरफ से कर रहे हैं। कोर्स कोड में आपको सब्जेक्ट का कोड लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे FST1, ये एक BA वाले स्टूडेंट के लिए मैं आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ। कोर्स टाइटल में FST01 का है, फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, उसी के ही नीचे माध्यम, मीडियम, आपका हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम, आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसी के नीचे हिंदी और इंग्लिश के अलावा मीडियम वाले यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर्स में अपना मीडियम लिख सकते हैं। उसी के नीचे नंबर ऑफ आंसर बुक्स, मेन के नीचे 1 लिखा गया है। सप्लीमेंट्री के नीचे आप जितनी भी सप्लीमेंट्री कॉपीज लेंगे उनका नंबर लिखना होगा, टोटल में 1+ में जितना सप्लीमेंट्री लेंगे, अगर 2 आपने सप्लीमेंट्री लिया है तो 1+ में 2, टोटल 3 हो जाएगा। दोस्तों, उसी के सामने ही परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ की गलती करते हैं, बाद में उनका 10-15 मिनट्स वेस्ट हो जाता है। निरीक्षक के हस्ताक्षर की जगह पे आप गलती से साइन कर देते हैं, एंड फिर बाद में जो भी आपके इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपको आंसर शीट चेंज करने के लिए बोल देते हैं। सो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट पेज की जानकारी, आपको इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे फिलअप नहीं करना है। अभी चलते हैं पीछे वाले पेज में, आपको यहाँ पे टोटल 16 पेजेस दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज दोनों ही इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। जो मेन बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। आपको ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करना है, रेड पेन ओनली आप हेडिंग्स या फिर सब हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आंसर शीट में कहीं पर भी अपने एनरोलमेंट नंबर या फिर आपका नाम, कॉलेज का नाम, स्टडी सेंटर कोड कुछ भी मेंशन नहीं करना है। फ्रेंड्स, जो भी आप सप्लीमेंट्री कॉपीज लेंगे उन्हें अच्छे से टाई अप करना है, यही सभी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एजुकेशनल टिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स।